नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। ये कैसा किसान आंदोलन, इस खास पेशकश में आज हम बात करेंगे किसान आंदोलन को लेकर के, साथ ही किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट के सख्त रवैये को लेकर के। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में किसान महापंचायत की जंतर मंतर में प्रदर्शन की इजाजत संबंधी याचिका पर सुनवाई चल रही थी। इस दौरान लखीमपुर हिंसा का मुद्दा भी उठा, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट के तल्ख तेवर एक बार फिर देखने को मिले हैं। साथ ही किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। ये कैसा किसान आंदोलन, किसान आंदोलन की आड़ में हिंसा का खेल, शांतिपूर्ण प्रदर्शन में हंगामा क्यों है बरपा, आंदोलन की आड़ में हिंसा का जिम्मेदार कौन, ये सवाल बड़े हैं। सवाल इसलिए बड़े हैं क्योंकि सरकार से कृषि कानून को लेकर तकरार चल रही है और किसान आंदोलन के नाम पर प्रदर्शनकारी खूब हो हल्ला कर रहे हैं। बदनाम हो रहा है तो वो किसान जो खेतों में मेहनत के पसीने से फसल को सींचने में लगा हुआ है। सवाल उठता है कि क्या देश का अन्नदाता इतना उग्र हो गया है कि किसान आंदोलन की आड़ में हिंसा का खेल खेला जा रहा है। सवाल न सिर्फ बड़ा है बल्कि गंभीर भी है, क्योंकि एक किसान अपने हितों को साधने के लिए कभी दूसरे को नुकसान नहीं पहुँचा सकता और देश की गरिमा के साथ तो कतई खिलवाड़ नहीं कर सकता। तो फिर आखिर वे कौन हैं जो किसानों की आड़ में अपना हित साधने में लगे हैं? जिस तरह से लखीमपुर खीरी में हिंसा हुई है, उस पर तो अब सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल पूछा है कि आखिर शांतिपूर्ण आंदोलन की आड़ में हंगामा कब तक होता रहेगा, और अगर हंगामा होता है तो फिर कोई जिम्मेदारी क्यों नहीं लेता। जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं होता। प्रदर्शनकारी दावा तो करते हैं कि शांतिपूर्ण है, लेकिन हिंसा होती है तो कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं होता। कहीं ना कहीं अगर प्रदर्शन होता है और वो हिंसक होता है, चेहरा बने नेताओं को जिम्मेदारी भी लेनी होगी। वहीं केंद्र ने भी सुप्रीम कोर्ट से ये दरख्वास्त की है कि लखीमपुर खीरी जैसी घटनाओं को अगर रोकना है तो किसानों के विरोध प्रदर्शन पर तुरंत रोक लगाने की जरूरत है। दरअसल लखीमपुर खीरी का जिक्र सुप्रीम कोर्ट में तब हुआ जब किसान महापंचायत की ओर से जंतर मंतर पर प्रदर्शन के लिए इजाजत मांगने से संबंधी याचिका पर सुनवाई हो रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने आंदोलन की वजह से लोगों को हो रही परेशानी को लेकर तल्ख तेवर इख्तियार किए थे। सवाल पूछा था, मामला जब कोर्ट में लंबित है तो फिर प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसानों ने पूरे शहर का गला घोट दिया है और अब क्या शहर के अंदर आकर उत्पाद पचाना चाहते हैं। अब एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने किसान महापंचायत से पूछा है कि जब तीनों कृषि कानून पर फिलहाल रोक लगी हुई है तो फिर सड़कों पर प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है। जब सरकार ने आश्वासन दिया है कि वो इसे लागू नहीं करेंगे तो फिर प्रदर्शन क्यों जारी है। शांतिपूर्ण किसान आंदोलन की आड़ में उग्र प्रदर्शन और गणतंत्र दिवस और लखीमपुर खीरी जैसी घटनाएं जब तक होती रहेंगी, तब तक किसान आंदोलन की आड़ में चल रहे खेल पर सवाल जरूर उठते रहेंगे, क्योंकि ना बातचीत हो रही है ना समाधान निकल रहा है, हो रहा है तो बस हिंसा, हंगामा और बवाल। ब्यूरो रिपोर्ट, एबी स्टार न्यूज। तो सवाल बड़े हैं और सवाल कई सारे हैं, और इन सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश भी करेंगे सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ अधिवक्ता दीप्ति सिंह हमारे साथ जुड़ रही हैं। दीप्ति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबी स्टार न्यूज पर। दीप्ति जी, सुप्रीम कोर्ट का जो रवैया है, तेवर है, वो तल्ख नजर आ रहे हैं किसान आंदोलन को लेकर के, और किसान आंदोलन की आड़ में क्या कुछ चल रहा है वो सुप्रीम कोर्ट भी देख रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर किसान आंदोलन की आड़ में जो हिंसा का खेल है वो कब तक चलता रहेगा। और आपसे मैं समझना चाहूंगा कि तल्ख तेवर तो देखने को मिल रहे हैं, लेकिन क्या किसान आंदोलन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से तल्ख रवैया अख्तियार कर रहा है, कोई बड़ा फैसला आ सकता है जल्दी? देखिए, अभी जो बातचीत चल रही है और जिसमें कि जो इनके सरकार की तरफ से वकील हैं वेणुगोपाल जी, इनका तो कहना है ये आंदोलन क्यों नहीं बंद कर दिया जाना चाहिए। पर एक सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब सरकार ने इस कानून को अभी लागू ही नहीं करना और केस कोर्ट में चल रहा है, लंबित है, तो इन किसान के जो भी नेता हैं वो भोले भाले किसानों को बरगलाने का काम कर रहे हैं, अननेसेसरली
भीड़ इकट्ठा करना, इसको कहीं ना कहीं एक नई दिशा देना, तो इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने खेद भी जताया है और चिंता भी कि आप लोग कर क्या रहे हैं, क्या आपको सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भरोसा नहीं है? अगर भरोसा नहीं था तो फिर केस लेकर नहीं आना चाहिए था कोर्ट में, आपको केस फाइल नहीं करनी चाहिए। अगर आपने केस फाइल कर दी है तो आप इंतजार करिए कि कोर्ट किस तरीके का फैसला सुनाने वाली है। तो ये बड़ा ही अजीब सा समस्या है और बड़ी अजीब सी बात भी है कि आप कोर्ट में भी हैं, आप सड़क पे भी हैं और आप किसी की बात सुन रहे हैं, और जगह जगह घटनाएं ऐसी घट रही हैं जहां हिंसा और आगजनी और इस तरीके के जो उग्रवादी तरीके के जो प्रदर्शन है ये चल रहे हैं, जबकि हमारे संविधान ने हमें इस तरीके के आतंक या उग्रवाद की इजाजत नहीं देता। शांतिपूर्ण धरना और प्रदर्शन आप कर सकते हैं। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो सरकार के पास, कोर्ट के पास, कानून के पास इस तरीके के हिंसात्मक धरने को रोकने के सारे तरीके पता हैं और उनके पास कानूनी अधिकार हैं कि अगर कहीं भी हिंसा हो और किसी तरीके की आगजनी हो, किसी की हत्या हो, जान चली गई हो, खून किसी तरीके से बहा दिया गया हो, तो ये धरना आप कहीं से भी शांतिपूर्ण तो रहा है, तो इसको रोकथाम करने की पूरी पूरी जो राइट्स हैं वो कोर्ट, कानून और प्रशासन के पास है। तो कहीं ना कहीं किसान अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहे हैं, क्योंकि इस तरीके के प्रदर्शन को किसी भी वक्त जब जब चाहे तब प्रशासन रोक लगा सके, क्योंकि अपने अपने तरीके से इन्होंने जो दावा किया था शांतिपूर्ण धरने की, वो तो अब रही नहीं, वो तो पूरी दुनिया देख रही है कि यहाँ पे तो 9-9 लोगों की हत्याएं हो गई एक एक दिन में, और ये भी सिर्फ और सिर्फ बरगलाने पे, बहकाने पे। तो रोकथाम की यहाँ पे जरूरत है, और मुझे लगता है आने वाले टाइम पे कहीं ना कहीं किसान आंदोलन को इस तरीके से रोका जाएगा, जो किसी को पसंद नहीं आएगा, जोर जबरदस्ती ही करना पड़ेगा प्रशासन की तरफ से, जो दिख रहा है और जो लग रहा है कि कहीं वाजिब भी है, अपने अपने लॉजिक्स हैं, और जो हमारे सरकार की तरफ से जो वकील है मिस्टर वेणुगोपाल, वो बहुत क्लियर और अपने वर्डिक्स में उनके जो लॉजिक उन्होंने दिए हैं वो लॉजिक काफी सटीक बैठ रहे हैं, कि जब आपकी बात मान ली गई है, जब आपको कहा जा रहा है कि ये जो कानून है वो लागू ही नहीं कर रहे हैं, ये बिल पास ही नहीं कर रहे हैं, तो आपका ये धरना और प्रदर्शन किस लिए आप जारी करके क्या बताना चाह रहे हैं? एक और अहम सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा। दरअसल इससे पहले जब सुनवाई हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा था कि आप आंदोलन को रोकने के लिए क्या कर रहे हैं। दिल्ली के संदर्भ में मैं आपसे बात कर रहा हूं कि आप वहां पर आंदोलन खत्म करने के लिए क्या कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को अब आंदोलन को रोकने के संबंध में कोई निर्देश दे देना चाहिए, या फिर ऐसी संभावना है कि सुप्रीम कोर्ट इसको लेकर के पहल कर सकता है? देखिए, जिस तरीके की पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने तरफ से इनको कहा था कि एक कमेटी बिठाते हैं जिसमें आप जिनको कहेंगे हम उस कमेटी में लोगों को गठित करेंगे, 5 सदस्य या 11 सदस्य जो भी कहेंगे आप उस हिसाब से चलेंगे, उसको भी उन्होंने नहीं माना। तो एक तरफा रास्ता आप नहीं चला सकते, अगर आपको कहीं बीच का रास्ता इख्तियार करना है और शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रखनी है और इसको कहीं ना कहीं देश के हित के लिए भी सोचना है, जैसा कि ये दिख रहा है कि किसान आंदोलन देश के हित के लिए है, किसानों के हित के लिए, पर अभी जो एक्ट सामने आ रहे हैं वो हित तो कहीं नजर नहीं आ रहा है। जानबूझकर भोले भाले किसानों को बरगलाकर उनके नेता उनसे गलत तरीके से हिंसा और प्रदर्शन करा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अब सुप्रीम कोर्ट अगर अपना सख्त रूप अपनाती है और प्रशासन को ये ऑर्डर दे देगी, आज के आज ये जगह जितने भी NH-24 और NH-48 और 8 सारे घेर कर रखे गए, इसको खाली कराई जाए, तो इसमें कहीं ज्यादा मुझे नहीं लग रहा है कि कोई बहुत बड़ी बात होगी, ये हो भी सकता है। और ये करने के कारण अपने आप में किसान और इनके नेता ही हैं जो लगातार गलतियों पे गलतियां करते चले जा रहे हैं। अच्छा, एक और अहम सवाल आपसे लेना चाहूंगा कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के दिन जो कुछ भी हुआ था वो भारत ने ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने भी देखा था, कि किस तरह से उस दिन हरकतें वहां पर की गई थी, उपद्रवी किसान आंदोलन की आड़ में जो है वो घुस गए थे और उन्होंने किस तरह से नुकसान पहुंचाया था। अब लखीमपुर वाली घटना होती है, तो जब इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं और सुप्रीम कोर्ट इसको लेकर के कोई फैसला सुनाता है, तो क्या इन घटनाओं का असर भी फैसले पर पड़ेगा? सोहन, देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने इसको कॉग्निजेंस में ले लिया है और उनके साफ सवाल और उनकी जो टिप्पणी है कि जब कोई घटना ऐसी घट जाती है तो कोई आगे नहीं आता, कोई ऐसी घटना की जिम्मेदारी नहीं लेता, और जब एफिडेविट हलफनामा दाखिल करने की बात होती तो वो भी आज तक पेंडिंग है, अभी तक वो भी नहीं सामने आया और ना ही किसान के नेता उसको हलफनामा दाखिल कर पाए कि हाँ उसमें हम लोग नहीं थे, उसमें कोई और था। ये जिम्मेदारी लेने और अपने आप से जान बचाने वाली बात है, और दोनों बड़ी घटनाएं हैं। एक तो वो जब देश को पूरे विश्व के सामने शर्मिंदा होना पड़ा, हमारी जैसे नाक कट गई पूरे विश्व में, हर न्यूज पेपर ने उसको अपने फ्रंट पे छापा था कि देखिए भारत के अंदर किस तरीके से लाल किले के अंदर लोग अपने अपने झंडे फहरा रहे हैं, मतलब देश तो कहीं है ही नहीं और ना ही यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर है, ना ही किस तरीके का कोड और कानून है। दूसरी बार ये लखीमपुर की घटना तो बिल्कुल जोर देने वाली है, 9 लोगों की हत्या और वो भी निर्मम हत्या की गई, गाड़ी से कुचल कर, कभी भगा कर, किसी की गाड़ी आग लगा कर। तो ये जो
दिखाया जा रहा है या जो दिख रहा है वो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के नजर में है और कॉग्निजेंस वो दे चुके हैं और इस पे सवाल कर रहे हैं कि अब इसको आप बताइए कि ये कौन कर रहा है। आपने कहा था आपको शांतिपूर्ण ढंग से घटना सॉरी आपको प्रदर्शनी और धरना करना है, तो फिर ये जो घटनाएं घट रही हैं इसकी जिम्मेदारी भी तो आप लोगे, तो यहाँ पे फिर कोई आगे नहीं आता। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें दिख रही हैं कि आप धरने के नाम पे प्रदर्शनी के नाम पे कुछ ऐसी चीजें कर रहे हैं जो लॉ एंड ऑर्डर को चोट पहुंचा रहे हैं, खतरे में डाल रहे हैं और शांति को भंग करने की कोशिश हो रही है। और एक तरह से आप देखिए ना, रातों रात ये जो मामला इसको शांत करने के लिए कितना मुआवजा देना पड़ गया, जो पैसे सही जगह लगाए जाने चाहिए थे आप ऐसे लोगों के पीछे लगा रहे हैं जो पता नहीं जानबूझकर एक दूसरे को मार काट रहे हैं और किस तरीके के बर्बरता को प्रदर्शित कर रहे हैं। जी, ये भी अहम सवाल आपने उठाए और कहीं ना कहीं ये सवाल बड़े हैं। एक और अहम सवाल आपसे लेना चाहूंगा कि एक तरफ मामला जो है कोर्ट में चल रहा है, दूसरी तरफ जो है आप सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, इसको लेकर के आपने बात कही थी, क्या संविधान में कोई प्रावधान है कि अगर आप मामला कोर्ट में है तो आप प्रदर्शन नहीं कर सकते, इसको लेकर के कुछ है क्या? बिल्कुल है सोहन, अगर आपने किसी भी मामले में आपने कोर्ट का रुख अपना लिया है तो जब तक कोर्ट का अंतिम फैसला नहीं आ जाता तब तक एक तरह से उस पे स्टेटस को लग जाता है, सारी चीजें एज इट इज हो जाती हैं, आपको अपने अपने घर लौट जाना चाहिए था। जिस दिन फैसला कोर्ट की तरफ से फाइनल आता और आपके पक्ष में नहीं होता तब कहीं जाकर आप एक बार प्रदर्शनी कर सकते थे, फिर एक बार आप धरना कर सकते थे, फिर आपके पास और आगे जाकर दूसरे तरीके से अपील करने के चांसेस हैं। लेकिन आप एक तरफ से कोर्ट में भी आप हंगामा कर रहे हैं, आप कोर्ट में भी अपने डिमांड्स रख रहे हैं और दूसरी तरफ आप सड़कों पे आम जनता को भी त्राहिमाम करवा कर रखे हैं। हर कोई अपने काम में जाने में बहुत मुश्किल से पहुंचता है और हर किसी को आज किसी न किसी तरीके से किसानों की वजह से कोई ना कोई इफेक्ट तो आ रहा है। तो ये सारी चीजें बिल्कुल नजरअंदाज करने जैसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट को भी पता है कि सारे शहर को आपने बिल्कुल मजाक का बना रखा है और अब आप शहर के अंदर भी आप प्रवेश करना चाहते हैं। तो सवाल यहाँ पे ये है कि अगर आपको देश में इस तरीके की अराजकता फैलानी है तो फिर आप कोर्ट क्यों आ रहे हैं, और अगर कोर्ट पे भरोसा है तो फिर भरोसा रखिए, या फिर भरोसा नहीं है तो अपने पिटीशंस वापस लीजिए, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। मामला कोर्ट में है, कोई फैसला नहीं आया और लेकिन आप अपनी प्रदर्शनी जारी रखें। तो ये जितने भी नेता हैं जो इस केस को कोर्ट में दाखिल किया था इन्होंने अपने पिटीशन को, इन सब के ऊपर एक सवाल तो होना चाहिए कि फिर या तो ये पिटीशन वापस ले लीजिए आप या इसको खारिज कर देना चाहिए। तो दीप्ति जी ने बहुत ही अहम जानकारी दी है, मैं अपने दर्शकों के साथ इस जानकारी को एक बार फिर से साझा करना चाहूंगा कि एक बार अगर आपने कोर्ट का रुख कर लिया तो उसके बाद उम्मीद ये की जाती है कि आपको प्रदर्शन खत्म कर लेना चाहिए था, उसके बाद अगर आपके हित में फैसला नहीं आता तो उसके बाद आप दोबारा से पिटीशन दाखिल कर सकते थे, याचिका दाखिल कर सकते थे, तो उसके बाद फिर से आप सड़कों पर आ सकते थे। लेकिन एक और अहम चीज आपसे मैं समझना चाहूंगा कि आपने कहा कि इसको लेकर के तरीका तो ये होना चाहिए था, लेकिन इसके उलट हो रहा है, किसान अभी भी सड़कों पर बैठा हुआ है, दिल्ली में लोग परेशान हैं, जाम की समस्या से लोग बेहाल हो रखे हैं, लखीमपुर खीरी में हिंसा देखने को मिल रही है, तो फिर अब तो वक्त आ गया है ना कि सुप्रीम कोर्ट तल्ख रवैया अपनाए। जो बयान सामने आ रहे हैं उनमें तो तल्ख रवैया देखने को मिल रहा है, एक्शन कब तक लग रहा है आपको कि देखने को मिलेगा? देखिए, अगर कोई एक दो पार्टी होती, छोटे लोग संख्या में लोग होते तो बात होती, एक्चुअली यहाँ पे क्या है, ये देश किसानों का है और किसानों के मर्म को चोट पहुंचाना किसी को भी किसी के हित में भी नहीं है और सुप्रीम कोर्ट भी नहीं चाहेगी, क्योंकि उनको मालूम है कि यहाँ पर थोड़ा सा आपको रोक रहा हूँ, दरअसल मैं उन लोगों को किसान मानता ही नहीं हूँ जो लोग हिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि किसान तो अनाज सींच रहा है खून पसीने से, मेहनत की कमाई से, प्रदर्शन तो उपद्रवी कर रहे हैं। सोहन, अग्रीड, आपकी बात को मैं बहुत हद तक समझ रही हूँ कि आप भी कहीं ना कहीं इससे अफेक्टेड हैं, पर एक बात मानिए, जब मास से लोग जुड़े हों, बहुत सारे लोग जुड़े हैं इसमें, आपने देखा होगा मुजफ्फरनगर में जब अभी प्रदर्शनी हुई थी किसानों की, तो लाखों की संख्या में लोग इकट्ठे हुए थे। जी, तो ये सब चीजें भी तो कोर्ट को देखना पड़ता है कि इसमें कितने लोग अफेक्टेड हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके एक ऑर्डर के बाद अगर पुलिस की फायरिंग शुरू हो जाएगी तो फिर अगेन एक ही तरीका है, मास को कंट्रोल करने के लिए अंधाधुंध फायरिंग और आंसू गैस और बहुत सारे और ऐसी चीजें करनी पड़ती है जिससे कहीं ना कहीं अपने देश के लोगों को ही हताहत होना पड़ेगा, उन्हीं को चोट पहुंचेगी। तो कोर्ट भी ऐसा रुख नहीं अपनाना चाहती जिससे अपने ही लोगों की जान माल की हानि हो और ये डैमेज इतना ज्यादा हो कि कंट्रोल नहीं किया जा सके, इसलिए समझाने बुझाने और बीच का रास्ता इख्तियार करने की बार बार बात हो रही है, कमेटी गठित करने की बात हो रही है, अपने पसंद के लोगों को लाने की बात हो रही है, इसके बावजूद किसान के जो कुछ वर्ग है जो लालच में पड़े हुए हैं और पता नहीं उनको क्या चाहिए, उनको सत्ता चाहिए या सत्ता हिलाना है या गिराना है, पर कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बात है जो अपने भोले भाले किसानों को वो
बेवकूफ बनाकर लेकर आ रहे हैं और वहां पे हिंसा करवा रहे हैं, क्योंकि हिंसा करके क्या मिलेगा, आपस में एक दूसरे को मार रहे हैं, इससे जो चोट पहुंच रही है खुद को पहुंच रही है। तो ये बिल्कुल लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। पढ़े लिखे आज 70 साल से भी ज्यादा हो गया देश की आजादी को, पर हमें ये सब देखने को मिल रहा है। तो लगता है कि हमारे देश में आज भी हम लोग किस युग में जी रहे हैं जहाँ आप मास को बरगला सकते हैं, कुछ मुट्ठी भर लोग इतने सारे लोगों को अपने तरीके से चला रहे हैं और लोग इसको समझ भी नहीं पा रहे कि ये उनके फायदे की बात हो रही है, हित में है या अहित में है। तो ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ऐसा कोई फैसला कभी नहीं सुनाएगी जिससे अपने देश के ही लोगों को चोट पहुंचे और उनको कहीं ना कहीं उनके जान माल को। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को अपने संज्ञान में रखेगा और जो अपने देश के लोग हैं उनको किसी तरह का नुकसान ना पहुंचे, इसको लेकर के जिस तरह से आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस तरह का कोई फैसला नहीं सुनाएगा। एक और अहम सवाल, आपने कहा कि बीच का रास्ता निकलना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, दूसरी तरफ आपने कहा कि उसके लिए भी तैयार नहीं हो रहे, तो फिर बातचीत कैसे होगी, समाधान कैसे होगा? क्या इसको लेकर के, बातचीत का रास्ता निकालने को लेकर के सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अब कुछ सख्त ऑर्डर आ सकता है? देखिए, इसमें भी एक और बड़ी बात है, इसमें बड़ी टेक्निकलिटी है। बातचीत किस बात की? आपकी बात हमने पूरी की पूरी मान ली, आपने कहा आपको ये बिल पसंद नहीं है, हमने इस बिल को स्टॉप कर दिया, हमने लागू ही नहीं किया। तो आपकी मांग यही थी ना कि ये बिल नहीं चाहिए, तो नहीं है। अब किस बात की प्रदर्शनी और अब क्या बातचीत, अब आपको क्या चाहिए? तो इसके लिए मुझे लग रहा है कि एजुकेट करने की जरूरत है, मीडिया का इस्तेमाल करने की जरूरत है सरकार को भी, कि ये जो किसान है जो सचमुच में अपना काम छोड़कर कहीं इस प्रदर्शनी में आ रहे हैं, अपने घर अपने परिवार को छोड़कर आ रहे हैं, क्या पता इनकी जान चली जाए, इस वजह से लखीमपुर को छोड़ दें, अगर इन शहरों की बात करें तो हमारे गाजीपुर में बैठे हैं और हमारे यहाँ ठंड की वजह से लोगों की मौत हुई है और जिस तरह से वहाँ पर उस टाइम पे कोरोना का असर भी देखने को मिल रहा था, हार्ट अटैक की वजह से लोगों की मौत हुई, तो जान भी जा रही है, उसको भी तो देखना पड़ेगा ना। नेता जो है अभी कहीं स्वार्थ में बिल्कुल बुरी तरह से डूब चुके हैं, ऐसा लग रहा है कि उनको क्या चाहिए उनको खुद या तो क्लियर नहीं है, या वो नेता भी कहीं ना कहीं से कंट्रोल्ड है, क्योंकि किसानों की बात तो मान ली ना। अब जब सरकार से बात, अगर हम लोग उम्मीद ये कर रहे थे कि बिल अगर हमारे हित में नहीं आप रुक गई बात, तो अभी मीडिएशन की भी कहीं जरूरत नहीं दिख रही है। लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट इस बात को पूरी तरह से समझती है कि नहीं, अभी चलिए आप अगर इस पे बात करना चाहते हैं तो बात करने के लिए प्रपोजल हम दे रहे हैं, आप आइए और बैठकर बात करिए, आप उस प्रपोजल को भी नहीं सुनने को तैयार है। तो यहाँ पे आपके इंटेंशन पे शक बिल्कुल करना जरूरी बनता है कि आपको चाहिए क्या, आप कहीं ऐसा तो नहीं कि पूरे देश का जो लॉ एंड ऑर्डर है खराब करके, माहौल खराब करके रखना चाहते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया दीप्ति जी, तमाम जानकारी को हम तक साझा करने के लिए। थी सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील दीप्ति सिंह जी, जो पूरी खबर पर हमें जानकारी दे रही थी, आखिर सुप्रीम कोर्ट का रवैया किस तरह का है उसको लेकर के उन्होंने बताया हमें कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट को सभी पहलुओं को देखना पड़ता है, क्योंकि कोर्ट जो है किसी की भी भावनाओं को आहत नहीं कर सकता, इसके अलावा अपने लोगों का नुकसान ना हो इसको लेकर के भी सुप्रीम कोर्ट को जो है इस और भी देखना पड़ता है, और इस और इसीलिए जो सुप्रीम कोर्ट है फिलहाल संयम बरते हुए है पूरे मामले को लेकर के। और लेकिन जिस तरह से दूसरी तरफ उन्होंने बताया कि किसानों की हठधर्मिता सामने आ रही है, तीनों कृषि कानून फिलहाल लागू नहीं है उसके बावजूद सड़कों पर उतरे हुए हैं, दूसरी तरफ जो मामला है वो कोर्ट में है उसके बावजूद प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या जो कानून व्यवस्था है उस पर भरोसा नहीं है, ये सवाल सुप्रीम कोर्ट ने भी किसानों से पूछे हैं। और अब जो किसान पंचायत है वो दूसरी तरफ कह रही है कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की इजाज़त चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जब पिछली बार सुनवाई हुई थी तो साफ तौर पर कहा था कि क्या आप जो दिल्ली की जनता है उसका गला घोंट देना चाहते हैं। तो सवाल कई सारे हैं, सवाल बहुत बड़े हैं। सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर किसानों को किसानों को कंधा बनाकर बंदूक कब तक चलाई जाती रहेगी, सवाल ये कि आखिर किसान आंदोलन की आड़ में हिंसा का खेल कब तक चलता रहेगा, क्योंकि 26 जनवरी के दिन क्या हुआ था वो पूरे देश ने देखा था, पूरी दुनिया ने देखा था, उसके बाद लखीमपुर खीरी में क्या हुआ था वो भी दुनिया ने देख रही है, पूरा देश देख रहा है, और अब उसको लेकर के सियासत किस तरह से हो रही है वो भी सब कुछ नजर आ रहा है। फिलहाल के लिए खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।